नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 11 फरवरी कल के सेशन की अगर बात करें तो कल हमने फिर से यूएसडीआर में एक दबाव आते हुए देखा, जिस जनसे इंटरनेशनल में डॉलर में कंटिन्यू गिरावट चल रही है। साथ में एक्सपेक्टेशन बना हुआ है अभी भी कि नया स्टिमुलस आएगा, बट अभी तक हुआ नहीं, जिसके चलते भी डॉलर में गिरावट बनी हुई है, जो 90-40 तक का लेवल दिखा दिया। एज ऑफ नाउ इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट में भी जब तक USD INR 73.20 का लेवल ब्रीच नहीं करता है कि पॉसिबल है हम 72.90 से 72.80 तक का भी लेवल हम देख पाए। आज की ओपनिंग भी वीक दिखाई दे रही है और लगता है कि मार्केट में आज दबाव कंटिन्यू रहेगा, टेक्निकली भी जो 72.80 तक का लेवल USD INR में देख पाएंगे। वहीं यूरो और GBP की बात करें, कल डॉलर की गिरावट के चलते यूरो और GBP दोनों में ही हमने तेजी आती हुई देखी। यूरो में तो स्टेबिलिटी, बट GBP में हमने 0.5% के करीब की तेजियां बनते हुए देखी, जो प्राइस 101 का लेवल ऑलमोस्ट छूता हुआ दिखाई दिया। यूरो के अंदर हमने देखा ECB की जो स्पीच थी उसके अंदर एक क्लियरिटी मिली कि मॉनेटरी सपोर्ट जो है इकोनॉमी पे वो और एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि जिस ढंग से कोरोना वायरस का लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। बट टेक्निकली हमें लगता है 88.50 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई देंगे और आज के सेशन में दबाव रहेगा। जिस दिन से ओपनिंग की अगर हम बात करें तो 88.40 के करीब की ओपनिंग होगी और प्राइसेस फिर से 88.10 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर यूके की बात करें तो यूके के अंदर हमने देखा है कि एक तो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है और साथ में पॉजिटिव नो डाउट वैक्सीन की वजह से चीजें काफी पॉजिटिव, जिस ढंग से हमने कल हमने 0.5% की रिकवरी देखी है। बट आज कहीं ना कहीं मार्केट में कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने में मिलेगी। जब तक प्राइसेस 101.10 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी है हम करीबन 140-150 तक का एक पुल बैक देख पाए। येन में कल हमने फॉल देखा है, जिस ढंग से गोल्ड में भी हमने फॉल बनते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं स्टिमुलस को लेकर जब तक क्लैरिटी नहीं बनती है मार्केट एक लेमो में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आज अगर JPY की ओपनिंग देखे तो पॉजिटिव ओपनिंग जरूर है, जो 69.73 तक का लेवल दिखा दे, बट सस्टेनेबल नहीं है वो लेवल पे हम फिर से बिकवाली कर सकते हैं, जो 69.40 तक का लेवल दिखा सकता है। डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो US से हमने फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच ऑलरेडी देखी है, जो कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समअप नहीं करी। UK से आज हम कुछ डेटा देखेंगे मॉर्निंग में, जो हाउस प्राइस बैलेंस का डेटा है ऑलरेडी आ चुका है 50% पे। यूरोप से हम WPI के आंकड़े आते हुए देखेंगे, इकोनॉमिक फोरकास्ट आते हुए देखेंगे, बट US से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के डेटा काफी अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में फेड मॉनिटरी पॉलिसी की रिपोर्ट भी आ जानी है, तो कहीं ना कहीं डेटा पॉइंट काफी सीमित है और नो डाउट एक हॉलीडे जैसा माहौल भी बना हुआ है। चाइना मार्केट आज से हॉलीडे पे भी है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो USD INR जब तक 73.20 के ऊपर नहीं निकलता है या 73.15 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबल है हम 72.80 से 72.75 तक का लेवल हम USD INR में देख पाएंगे। वहीं GBP INR की अगर बात करें तो GBP INR के अंदर भी हमने आज एक पुल बैक दिखाई दे रहा है, जो 140 तक का लेवल दिखा सकता है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि यूके के अंदर जिस ढंग से नया लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, डेटा पॉइंट आ रहा है, ये कहीं ना कहीं पाउंड पे थोड़ा दबाव रह सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।